अरे भगवान, अरे भाई मैंने इस पे एक सिक्का सोने का डाला है, ये एक सिक्का कम कैसे हो गया? उसने बोला वो क्या है ना जी, मैं थोड़ी शॉपिंग कर ली थी, कल बनारसी साड़ियाँ लेके आ गई थी, वो पप्पू के लिए थोड़े कपड़े ले आए, थोड़े पिंकी के लिए कपड़े ले आए, थोड़ा फ्रिज लेके आ गए, तो ये जो है ना वो जो है ना क्या हुआ ना, ये जो है ना वो जो है ना दो जो है ना सोने के सिक्के जो है ना मेरे से जो है ना ये जो है ना वो जो है ना खर्च हो गए। 98 सिक्के हैं यार, अब दो सोने के सिक्के चाहिए आप। तो वापस गया जमींदार के पास, कहता वो क्या करना 6 घंटे के बजाय आपके यहाँ 12 घंटे काम करूँ तो एक महीने बाद क्या मुझको 2 सोने के सिक्के देंगे? मैंने कहा यस, अगर आप 6 घंटा काम करते हैं तो एक महीने बाद 1 सोने का सिक्का, तो 12 घंटे के 2 सोने सिक्के। एंड देन दिस ब्राह्मण स्टार्टेड वर्किंग एवरी डे फॉर 12 आवर्स। और फिर मंत्री ने बोला राजा को, जहां पना अब ये व्यक्ति भी 99th क्लब का मेंबर हो गया है, इसलिए अब इसकी सुख शांति खत्म हो गई है। सो मन में सुख शांति क्यों रहती है? बिकॉज वी आर ऑलवेज क्रेविंग फॉर दैट विच इज नॉट देयर, craving for that which is not there, that which is not there, craving not there, craving ye rehta hai, iski wajah se man itna ashant rehta hai, my god. To isliye it's very important, m means magnify the problem, choti si problem ko bada dikhana. Like there was one guy, he was always rank 1, standard 1 2 3 4 5 6 7, 12th class tak banda rank 1 hi raha. And then he applied for the entrance into IIT. और IIT उसका रैंक है 14. तो अगर आपको 14 रैंक अगर IIT में आपको क्या फील होगा? अच्छा लगेगा ना? This guy committed suicide. क्योंकि ना मेरा रिकॉर्ड टूट गया यार. हमेशा रैंक वन आता था, रैंक वन. मैं IIT में 14 रैंक आया. He committed suicide. तो दिक्कत कहाँ है? तो जो चीज नहीं है ना उसको लेके, और जो है उसके लिए थैंक यू, 14th रैंक है तेरी भाई, यू कैन चूज IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, कुछ भी चुन, कंप्यूटर साइंस ले, तू कहाँ भगा निकल जाएगा? नहीं, मेरा रिकॉर्ड टूट गया, मैं स्टैंड में हमेशा रैंक वन, सुसाइड, रैंक 14 आ गया, क्रेजी. सो दैट्स द नेचर ऑफ द माइंड. सो एम स्टैंड्स फॉर मैग्निफाई द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम है नहीं, 14th रैंक आना IIT के अंदर वो प्रॉब्लम है. पर मन ने बोल दिया नहीं, तो मेरा रिकॉर्ड टूट गया यार, तो ये तो फिर थोड़ा कहीं कहीं कर 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 हो गया खत्म खलास. तो दैट्स एम. आई स्टैंड फॉर इमेजिन्स प्लेजर. दूसरा काम क्या मन के क्या है? इमेजिन्स प्लेजर, हर जगह पर मजा ढूंढना. दैट्स माइंड. जैसे कॉलेज के दिनों में आप देखोगे ना, कॉलेज में सारी बातें लड़कियों की और लड़कों की होती हैं, डायरेक्ट बात, इनडायरेक्ट बात, सारी बात वही होगी. अगर अरे अगरबत्ती खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, खुशबू, ओ एक मिनट भाई यार, मैंने अगरबत्ती खुशबू की बात की, अरे खुशबू की बात तो तूने करी दी, सारी बातें इसी को लेकर होती है. देखा यार जैस्मिन आई है, जैस्मिन आई है, सारी बातें इसी को लेकर होती है. हाथ आना कुछ नहीं है. और लेकिन सारी बातें क्या, इमेजिनिंग प्लेजर. और इससे मन भागता रहता है. व्हाट थिंग्स ऑफ प्लेजर. दैट्स द नेचर ऑफ माइंड. अगर कभी कभी जब गाड़ी गुजरती है, पीछे कुत्ते दौड़ते होंगे, हाँ, गाड़ी एक भी हाथ नहीं आनी है, ये सारे कुत्ते दौड़ते हैं गाड़ी के पीछे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, चाहे स्कूटर वाला हो, कोई हो, कार वाला हो, उसके पीछे भाव 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 भाव. That's the nature of mind. Always imagining pleasure. That's it. जैसे कॉलेज में लोग आते हैं ना, तो हमको लगता है अरे यार वो यूनिफॉर्म की दुनिया से आजादी, अब जीन्स टी शर्ट्स, घूमना फिरना, कार्निवाल्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, ये तो देखा मूवी के अंदर. मूवी में ना कभी भी लड़का लड़की जो कॉलेज होते हैं ना, उनको पढ़ते नहीं दिखाते, ना उनके इंटरनल एग्जाम होते हैं, ना उनके एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, ना उनका वाइवा होता है, ना वो पढ़ाई की तैयारी करते हैं, कुछ नहीं करते भाई. वो कैसे पार कर लेते कॉलेज, हैरानी की बात है. गाने गा रहे, एक पैराग्राफ गाते वो अर्जेंटीना में, एक पैराग्राफ गाते वो रशिया के अंदर, एक पैराग्राफ गाते वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक पैराग्राफ गाते वो पंजाब के खेतों में, और गाना कंप्लीट. ये अरिजीत सिंह की आवाज में गा रहा है, वो श्रेया घोषाल की आवाज में गा रहा है. ऐसा कभी हुआ है लाइफ में? ऐसा होता है? एक सिंगल एग्जाम्पल. फिल्मों की चीजें फिल्मों में ही काम करती हैं, रियल लाइफ में कोई काम नहीं करते. मुझे याद एक बार मैं मूवी देख रहा था, एक पास निरूपा राय और अमिताभ बच्चन की मूवी, उसमें ना निरूपा राय
अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मारती है, अमिताभ बच्चन कहता है और मार मार और मार और मार, और निरुपमा कहती है नहीं नहीं विजय नहीं नहीं, और नहीं मारती। मैंने कहा यार ये तो बड़े फंडा यार, माँ कभी बैट मार रही हो ना बोलो और मार थप्पड़ मारने बंद कर दे यार, बहुत बढ़िया चीज है। तो मेरी माँ ने भी मेरे को कभी लगाए दो चपैट पड़ी, मैंने बोला मैं ही बोलता हूँ, और मार मा और मार चार चपैट और पड़ी। उसको लगा यार ये लगता है मैंने बहुत फीलिंग के साथ नहीं बोला, जैसे अमिताभ बच्चन बोला ना, मेरे में ना फीलिंग्स कमी थी। मैंने कहा मा और मार चार और पड़े कि चार और बोल फीलिंग से बेटे लाल। तो पता लग गया फिल्मों की बातें फिल्मों में ही काम करती है, रियल लाइफ में कुछ नहीं काम करती। रियल लाइफ इज रियल लाइफ, रियल लाइफ इज रियल लाइफ। R double E L can not be projected into R E A L. ये अलग है वो अलग है, but often we try to project it in a real life, imagining pleasures. Wow. फिर ये करने के बाद जो दुखी बोलेंगे ना तो भी फिर से बॉलीवुड ही चलेगा, दिल का दरिया बह ही गया, बोले दारू लेके बैठा भाई, कहते वो कबीर सिंह दारू पे, मैं भी दारू पे, दारू लेके बैठा हुआ, जो सैड सॉन्ग चल रहे हैं उसमें ए दिल है मुश्किल, कबीर सिंह सैड सॉन्ग, जितने सैडेस्ट होते हैं दो फेमस मूवीज हैं उनकी, कहते हैं दिल टूटे हुए उन लोगों की फेमस मूवीज हैं, गाने सुनो दारू पियो बस, तूने दिल मेरा तोड़ा कहीं का ना छोड़ा सनम बेवफा। ओए इमेजिनिंग प्लेजर्स, सब कुछ मजे के लिए होता है क्या? इसमें कई लोग पढ़ भी नहीं पाते स्टूडेंट लाइफ में ना, इतना मजा नहीं आता यार, वो सी सी प्लस प्लस जावा मर जावा क्या भाई, लाइब्रेरी फंक्शंस पॉइंटर्स तो समझ में नहीं आए भाई, पॉइंटर क्या क्या होता क्या पॉइंटर यार, वो एड्रेस पे कैसे पहुंचूं मैं उसके, बूट एड्रेस पे कैसे पहुंचना है, वो दिया तो हवा है पता नहीं कैसे करते हैं यार, कहाँ पर एस्टरिस्क लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना, कहाँ पे एम्परसेंड लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना, मजा ही नहीं आ रहा यार, मजा ही नहीं आ रहा। So there are people who just live for मजा मजा मजा, नौकरी करेंगे मैं मजा करेंगे यार, वरना नौकरी हो जाएगी ना मजा हो जाएगा, मैं शादी करूंगा ना मैं मजा करूंगा, सब कुछ मजे के लिए है। जितने लोग जितना मजा मजा करते हैं बाद में सजा 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 सजा। आज डिवोर्स रेट 17.8% क्यों हो गया इंडिया के अंदर? Because he even get married for मजा। मैं सबको शादी.com ना कहते हैं यार सोनी थोड़ी थोड़ी है यार, ओए शीतल MBA चंडीगढ़ क्लिक करना, शीतल जी मैं बड़ा हार्ट आला तुसी बड़े शीतल हो मैं भी शीतल कर दो। बट वी सी जितने भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स की मैरिज है ना इनका सक्सेस रेट बहुत पुअर है, क्यों? क्योंकि विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वन डजंट एंटर मैरिज, मजा करेंगे यार, आई हैव समबडी आई हैव लेजिटिमेट फन। सो इस भाव के साथ क्या होता है एवरीथिंग डिफ्यूजेस डाउन, एवरीथिंग like west ke andar divorce rate itna high kyun hai, spain mein divorce rate is 80%, luxembourg naam ki jagah usme 87% is divorce rate, matlab 100 mein se 87 marriages they turn into talaq talaq talaq, ye kya bhai how come? This happens because they are so much driven by fun. In india of course it is very good, india such an amazing place na, ab dekhiye pichle 70 saal se bollywood humko sikha raha hai kya, लैला मजनू शीरी फरहाद रोमियो जूलियट प्यार इश्क मोहब्बत ये वो, इवन देन आज भी इंडिया के अंदर 83.5% मैरिजेस अरेंज मैरिजेस होते हैं, मींस हमने बॉलीवुड की 70 साल की मेहनत फेल कर दी हमने, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया, वाओ, बिकॉज वी आर मोर ड्रिवन बाय स्पिरिचुअलिटी सर्विस ओरिएंटेशन दैट्स रिक्वायर्ड। पर जो लोग फन 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 मजा चाहिए यार, मजा 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 ऑलवेज इमेजिनिंग मजा मजा मजा, ऐसे लोग फिर दुखी रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी,
दैट्स एन। जैसे ना देखो कई बार ना लोग जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, क्यों? मन कहता है अरे क्यों जिम्मेदारी लेना यार, प्लीज अपनी कंफर्ट जोन है ना उसमें रहो ना, क्या निकलना उससे, चल रहा है ना सब, अच्छा चल रहा है ना, अच्छा चल रहा है ना, क्यों ज्यादा फनने का मन रहा है तू? निगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग जो हमें नहीं करना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ हैबिट्स आल्सो वी डू समथिंग रॉन्ग, उसमें ज्यादा गिल्ट आना है, क्यों किया यार नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, गिल्ट आया। लेकिन फिर लेकिन मन क्या बोलता है, नहीं यार हो गया हो गया, इट्स ओके यार, गलती सबसे हो जाती है, इट वाज जस्ट नीड ऑफ द बॉडी, दैट्स ओके। अगेन वी डू समथिंग, अगेन वी फील गिल्टी, अगेन वी डू समथिंग, अगेन वी फील गिल्टी, नेगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मन नहीं लेना चाहता, बट विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन नेवर एवर ग्रो इन लाइफ, नेवर एवर। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, टू फील गिल्टी इज ऑल्सो गुड, पर गिल्टी कौन लोग फील करते हैं, गुड हार्टेड सोल्स और से बैड हार्टेड सोल्स? जो अगली हार्टेड है, बैड हार्टेड है, दे डू नॉट फील गिल्टी, कहते हो गया यार इट वाज जस्ट फन मैन, दो पैक लगा ले क्या हो गया यार, पार्टी थी यार, इट्स ओके, वाइड वाइड ड्राई रे मैन, सारा शुड बी जूसी, फलों की जूसी तो है, थोड़ा सड़ा के पी रहे हम लोग और क्या, इट्स ओके। तो फ्रूट जूस पीता है, रियल जूस मेरा भैया, रियल जूस ही है, मैं थोड़ा सड़ा के पी रहा हूं और कुछ नहीं, दैट्स वाइन। यू नो हाउ बिग इज वाइन इंडस्ट्री इन इंडिया? It is $150 million industry. और इस $150 million में से $50 million की import, कहते भाई इंडिया से हमें कम पड़ जाता है, इतना कंज्यूम करते हैं हम लोग, और मंगाओ $50 million की हम बाहर से मंगाते हैं। That's the condition of India. In India, 267 million people are addicted to some kind of addiction. चाहे वो स्मोकिंग है, शटरिंग है, 267 million, which makes 29% of the total population. Among the youth also, and 80% people who consume such things, they enter into gambling, and 50% of them, they enter into crime as well. That's the condition in India. So, but look here, lekin why we do this? Because we avoid responsibility. Log daru kyun peete hain? Yaar tu sab bhul jayega. Tere biwi ka dukh, tere pati ka dukh, tere bachcho ka dukh, tere boss ka dukh, pi ya do peg laga le mere bhai. Mera sab set ho jayega. उसका खुद का भी अपसेट है, तेरे को भी अपसेट करने के लिए आया हो। But that's what happens. ये बात तीन पियकर थे, चले ऑटो रिक्शा वाले पास गए, ये तो भैया हमें सरोजिनी नगर छोड़ दो, ना आ जाओ, बड़े 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 ये तीनों पिए हुए हैं। तो उसके बाद ना उसने स्कूटर वहीं स्टार्ट किया, वहीं बंद कर दिया उसने, अरे आ गए सरोजिनी नगर, आ गए उधर जाओ, और ये तीनों बाहर आ गए। तो तीसरा वाला ना उसने क्या किया, ऑटो वाले थप्पड़ लगाया था, तला तो भैया दो तो पिए हुए थे, लगता है तीसरा वाला पिया नहीं था, गड़बड़ हो गया वैसे। तो शराबी बोला पता है क्यों मारा मैं तेरे को, रैश ड्राइविंग धीरे चलाया था। सो समबडी इज इंटॉक्सिकेटेड ना, उसकी इंटेलिजेंस इज बाउंड नेचुरली, बट दिस व्हाट हैपेंस बिकॉज़ वी डू नॉट वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। एक्चुअली आज जो जॉब्स आ रही है इंडिया के अंदर वो क्यों आती, बिकॉज इंडियंस आर नॉट एडिक्टेड टू ड्रग्स। When I was in the West, तो मैं अपने बॉस के बॉस से पूछा, मैंने कहा सर why, how come you know these jobs are coming to India, although I can see so many youths here in USA, but still jobs are coming to India। उसमें बताया एक तो क्या है, it's economic। हम अगर $1,000 देते हैं वहाँ पर, यहाँ पर सैलरी का USA के अंदर, हम इंडिया में देते हैं $120, so that's like 1/8 economical level। Secondly, जो Indians हैं, Indians are very good in communication। Second, third, they are responsible। हमारे यहाँ का youth is drug addict। In USA, 70% of the youth is drug addict. Actually, USA में there is central में एक state है, उसका नाम है Ohio. Ohio is mafia for drugs. तो चाहे कोई अलास्का में रहता हो, चाहे कोई फ्लोरिडा में रहता हो, केंटकी में रहता हो, न्यूयॉर्क में रहता हो, एरिजोना में रहता हो, कैलिफोर्निया में रहता हो, टेक्सस में रहता हो, they all are supplied महाप्रसाद from Ohio. लो भाई लो, अपना जीवन कल्याण करो ऐसा। इवन मैं हमारे कीर्तन में आई वाज नो, हमारे एक डिवोटी जो था वो रिक्वेस्ट करते बोली बोली कीर्तन करिए, ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए, बंदा ही बैठा हुआ था, करी करी नाम लीजिए, ताली बजाइए, ताली बजाइए, हाँ यस 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 हरे कृष्णा। तो कुछ मानता है कीर्तन वाज ओवर, तो उसी व्यक्ति को देखा वो ताली बजा रहे हैं।
बोला सर जब कीर्तन चल रहा था ना तब ताली बजा रही, कीर्तन और हो गया अब आप ताली बजा रहे हो, कहता ताली का बजा रहा साहब। तो भक्त ने बोला यू आर टेकिंग टोबैको, तो आप टोबैको मत बोलिए ये संजीवनी बूटी है। That's what's happening in India nowadays. So we avoid responsibility even for one's own health. We don't take responsibility. लोग सुबह नहीं उठते भगवान के लिए, नहीं अपनी खुद की हेल्थ के लिए नहीं उठ पाते। इनके somebody is becoming chubby, उसने यहाँ पर ट्रैक्टर का टायर निकला है, इसको साइकिल का टायर करना है, इसको ये करने के लिए सुबह उठना पड़ेगा, नहीं उठते। ऐसा कोई भी नहीं यार, जिंदगी है, क्यों इतनी चिंता करनी है कि भाई खाना पीना छोड़ो, ये मत खाओ वो मत खाओ, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, अगला जन्म तो फिर 3 किलो से शुरू करना है। सो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते। व्हाट टू स्पीक ऑफ फॉर स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, डिवोशन टू गॉड, वो तो बेचारा चैप्टर गया बेचारा। सो नेगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अनदर नेचर ऑफ द माइंड। माइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता, चाहे पढ़ने लिखने के लिए, मैरिज में, नौकरी में, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, इट अवॉइड्स दैट। एंड डी फॉर डिनाइज रियालिटी, माइंड को रियालिटी अच्छी नहीं लगती। ऐसा देखते हैं ना, मूवीज लोग देखने के लिए जाते हैं, बिकॉज मूवीज इज नॉट रियालिटी। लाइक एवेंजर्स जैसी मूवीज, आयरन मैन, एंट मैन, स्पाइडर मैन, और पैंथर, मिस्टर पैंथर, ब्लैक पैंथर, अरे और से कौन कौन जा रहे हैं, पढ़े लिखे 18, 19, 20, 21, 25 साल के लोग। आप पढ़े लिखे, हाँ जी पोस्ट ग्रेजुएट है, कहा क्या देखने जा रहे हैं, एवेंजर्स अभी आई है वो देखने जा रहे हैं, अच्छा ये बच्चों की मूवी देखने जा रहे हैं, हाँ क्यों, ये ना रियलिटी नहीं है ना, इसलिए माइंड लव्स दैट विच इज नॉट रियलिटी। रियलिटी इज हार्श, रियलिटी इज डार्क, एंड देन यू कैन डील विद इट ऑल्सो। नहीं कहते नहीं रियलिटी मत दिखाओ, रियलिटी मत दिखाओ, इसलिए मूवी हॉल में कहते सारा बार अंधेरा करते हैं, इट्स ऑल ब्लैक आउट, इट्स ऑल ब्लैक, अब देखो पिक्चर, सो दैट यू डू नॉट सी रियलिटी। को मुरझाए हुए चेहरे मत देखो, और चुपे हुए आम की तरह बाहर निकलो उसके बाद। अवॉइड रियलिटी, रियलिटी मत देखो, मत देखो, मत देखो, मत देखो, अच्छी सी बात है, सब अच्छा अच्छा है, सब अच्छा 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 अच्छा। अरे डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोले देखिए आपको ब्रोंकाइटिस है, देखिए नेगेटिव बात मत करिए, आप अच्छी सी बातें करिए। डॉक्टर के पास जाते हैं अच्छी बातें सुनने के लिए आते हैं ना, तो डॉक्टर हाँ जी आपके पाँव बड़े अच्छे हैं, हाथ बड़े अच्छे हैं, वेरी गुड, आई मिठाई खाइए, इतनी अच्छी बातें करता है, कितना अच्छा डॉक्टर है, इसे गुड डॉक्टर। क्या डॉक्टर का डायग्नोसिस करना क्या वो नेगेटिव बातें, नो, पर माइंड को ये सब नहीं पसंद, माइंड को चाहिए अच्छी अच्छी बातें हो, बस गुडी 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 गुडी, एवरीथिंग इज गुडी 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 गुडी, ऐसा रहना चाहिए, हाँ नाइस 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 नाइस, इट अवॉइड्स रियलिटी, इट अवॉइड्स रियलिटी। लाइक अभी जैसे हम लोग मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, राइट, बट अमृत महोत्सव के साथ साथ देयर आर डार्क रियलिटीज आल्सो इन पास्ट 35 इयर्स वेयर इंडिया हैज गॉन, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस हैज इंक्रीज्ड 11 times, डोमेस्टिक वायलेंस, हस्बैंड बीटिंग वाइफ, अरे यार स्त्रियां होती हैं बाबा, दे हैव सच डेलिकेट बॉडी, हाउ कैन समबडी फिजिकली हिट अ वुमन। It was one lady, she ordered from Zomato pizza order kar diya without asking the husband. Husband usi peeth pe ghumza mara, uske muh se khoon aage lagi gayi. So ladies are so delicate. But I'm just giving you example how delicate they are. Main chota tha to hamari ghar mein chuttiyan thi. To Sunday Monday mere ko new pani banana hota tha. Wednesday Thursday dusri behan, fir Thursday Friday teesri behan banati, to ye maine aise bandha hua tha. To main Super Commando Dhruv ki movie padh apna comic padh raha tha. मंडे का दिन था, न्यू बारी मंडे का दिन मेरा है, मेरी बहन ने कहा भाई आज तेरी बारी है, तू न्यू बारी बना, मैंने कहा बना रहा क्या, जो करना कर ले जा, तो भाई तू गलत कर रहा, तू धोखा दे रहा है हमें, जो करना करना है यार, मैं नहीं बना रहा आज, मैं किसी और दिन बनाऊंगा, तू बना दे, कहते भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने कहा जो करना कर ले, एंड देन शी केम एंड देन शी हिट मी विद अ फिस्ट। अब हम तो वैसे सिकड़ी हड्डी थे उस वक्त, उसके बाद ऐसे हो गई वो। तो शाम को मेरी माँ ये देखा, हाथ सूजा हुआ है, नील बड़ा हुआ है, वो जाके उसका एक्सरे कराया, उसकी दो हड्डियां टूटी थी उसकी बेचारी।
दिस हाउ डेलिकेट लेडीज आर, कि वो बेचारी घुसा मारेगी तो घुसा उसका टूटेगा बेचारी का. बट इन डोमेस्टिक वायलेंस मेन बीट वुमेन एंड दैट हैज इंक्रीज टू 11 टाइम्स. 11 टाइम्स सो मच ऑफ वायलेंस. ये है हमारा आजादी का अमृत महोत्सव. वाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए राइट? बट दैट्स व्हाट इज हैपनिंग in India currently as per Reader's Digest by 2030 India would be world's number one country in mental depression cases among the youths. That's what is happening. In India we see divorce rate has increased by leaps and bounds, 17.8%. 1980s se pehla divorce case file hua tha na, it was published in paper. India divorce, India it doesn't happen. ये कुछ फिरंगी लोग थे, मेरी माँ से मिले थे, मेरी माँ ने इंट्रोड्यूस किया, ये मेरे हस्बैंड है. कहता सो विच वन, ये सवाल इंडिया पूछते हैं लोग, विच वन? कहते एक ही तो होता है, शादी हो गई है, विच वन? तो बिकॉज इंडिया इज अ लैंड ऑफ फिडेलिटी. बट यस, इन केस वी डिनाई द रियलिटी विच इज डार्क रियलिटी, उसको हम अवॉइड करते हैं, देन वी कैन नॉट रन टुवर्ड्स सॉल्यूशंस, वी हैव टू फेस इट. बट दिस इज हाउ माइंड प्लेज विद अस. एम आई एन डी, एम I imagines pleasure, not responsibility. Pleasure only. N negates responsibility. D denies reality. Yes, this is how mind functions. But how to take care of the mind? ये तो मैं diagnosis कर लिया, हाँ भाई बदमाश तो है. Number one, yes, and that's why we say mind your own business. We never say body your own business. तो सारा खेल किसका है? माइंड का खेल है भाई सारा सारा. और देखो हमारे किसी स्कूल में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में कोई माता पिता दे डू नॉट टीच अस अबाउट माइंड. ऑल्दो एवरीथिंग इज देयर इन द माइंड. जैसे कौन कौन सी दिक्कत है हमारी लाइफ में? सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कहा है? बॉडी में कि माइंड में? एंगर कहा होता है? माइंड में. अच्छा, ईर्ष्या होती है? माइंड में. द्वेष कहा होता है? माइंड में. वेरी गुड. अच्छा, कंपैरिजन कहा होता है? माइंड में. इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स माइंड में. सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स माइंड में. इगोइस्टिक एटीट्यूड माइंड में. तो दिक्कतें कहा है? माइंड में. और हमारा कोई हॉस्पिटल माइंड का इलाज नहीं करता, सब बॉडी का इलाज करते हैं. डॉक्टर खुद बीमार है बल्कि अपने माइंड से. Since 2014 till 2021, यानी सिर्फ 7 सालों के अंदर 122 suicide cases in premier institutes, IITs and IIMs. कितने suicide cases? 122. और बाकी जो non premier institutes हैं, 450 suicide cases वहाँ भी हैं. But 122 from the premier institutes. ये हमारा IIMs है, ये हो गया दिल्ली का. IIMs from Raipur, from the IITs. ये तो चाहिए ना हमको यार, crack हो जाएगा ना बस, इसको लगा डाला तो life झिंगा डाला. झिंगा लाल देख कहा जा रहा है? झिंगा लाल सुसाइड किया 122. सो इसीलिए माइंड को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए माइंड के साथ? सबसे जरूरी है कि ना, वी शुड मेक आर इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग. देखिए दो एंटिटीज है, एक है माइंड, एक है इंटेलिजेंस. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? कौन बताएगा मुझे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड माइंड? बुद्धि में और मन में क्या अंतर है? डिसीजन मेकिंग पावर. क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कैलकुलेशन कौन कर रही है? बुद्धि. वेरी गुड. अच्छा, मन क्या होता है? ओके, हमारी नीड्स, हमारे डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, हमारी एम्बिशंस, नोशंस, आइडियाज, इसकी हार्ड डिस्क का नाम है माइंड. माइंड के अंदर सब कुछ स्टोर होता है राइट? अब क्योंकि माइंड के अंदर डेटा है, अगर तो माइंड तो डेटा के अनुसार ही काम करेगा राइट? जस्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस. मान लो कल है इंडिया पाकिस्तान का मैच, फाइनल वर्ल्ड कप 2020. माइंड क्या बोलेगा? देख ले यार, इंडिया पाकिस्तान 2020 मैच, ये सदियों में ये बिरला आता है, ये शुभ शगुन, ये मौके फिर नहीं आते. देख ले, इंटेलिजेंस बोलेगी बेटे लाल, पूरे 7 दिन पढ़ाई नहीं की है, जो झंडे गाड़ रहे हैं आज ही झंडे गाड़ने हैं, पढ़ ले, यही सही है, पढ़ना सही है, उसकी हाइलाइट्स कल देख लियो यूट्यूब पर,
अभी पढ़ ले। माइंड बोलता है यार लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच लाइव नहीं देखा तो क्या देखा रे, देख ले। जजेस बोलते ना ये गलत है, आज रात को झंडे गाने हैं। That's intelligence. तो उसमें कौन जीतेगा? माइंड जीतता है। आइडियली किसको जीतना चाहिए? इंटेलिजेंस को जीतना चाहिए। सो अगर इंटेलिजेंस ऊपर है माइंड नीचे है दैट्स वेरी गुड। लेकिन दुनिया में 99.99% लोगों की इंटेलिजेंस नीचे होती है, माइंड जो होता है, माइंड जो बोलता है इंटेलिजेंस कहता है अरे हम जुगाड़ ढूंढेंगे, आप कह के देखिए मालिक। तो जैसे जैसे माइंड बोलेगा माइंड इंटेलिजेंस उसके लिए जुगाड़ ढूंढेगी। कहता माइंड ने बोला यार देखे क्या किया जाए, मैं कुछ जुगत लगाती हूं। माइंड बोलेगा वेरी गुड मेरे गुलाम नाइस। सो माइंड इन्फ्लुएंसेस द इंटेलिजेंस। आइडली ये होना चाहिए इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना चाहिए माइंड को। माइंड क्या सोच रहा है तू, रॉन्ग रॉन्ग, ये होना चाहिए। पर 99.99% लोगों का ये होता है माइंड कंट्रोल्स द इंटेलिजेंस। सेंसेस मांगती ना ये चाहिए यार कुछ मजा वाला चाहिए, दे दो दैट्स इंटेलिजेंस। Sorry, that's senses. So senses है, mind है और intelligence. बच्चा है, माँ है और पापा है। जैसे बच्चे ने बोला पापा पापा मेरे को चॉकलेट खानी है, पापा मेरे को चॉकलेट खानी है, मम्मा बोलेगी बेटा अभी खाती हूँ बेटा, ऐसे सुनते हो बेटे को चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट दो ना। और ये अगर पूरा जोरू का गुलाम है, बेटा अरे हाँ बिल्कुल भगवान अभी हम लेकर के आते हैं चॉकलेट, दुखी मत हो बेटा, अरे चिंटू पिंटू अभी लेकर के आते हैं, जाएगा चॉकलेट लेकर के आएगा और ये चॉकलेट इसको बच्चों को खिलाएगा, बच्चे के दांत खराब होंगे, ठीक है जी। और यही अगर मान लो पिताजी सर वेल ट्रेन्ड है, सोबर है, इंटेलिजेंट है, तो बच्चे ने अगर बोला मम्मा मेरे को चॉकलेट खाने हैं और माँ बोले अजी सुनते हो हमारे चिंटू पिंटू को चाहिए चॉकलेट, चाहिए ना चॉकलेट दे दो ना, और हजर बोलेगा देखो भगवान चॉकलेट खाएगा उससे दांत खराब होंगे, उसको बोलो घर चलेगा उसके लिए कुछ अच्छा बनाएंगे, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो कुछ कुछ बना के खिलाना उसको, उसको बना कर होगा चॉकलेट नहीं खाना गुलाम हो गया, यानी कि मन का गुलाम हो गया, फिर तो बच्चे जो मांगेंगे हाँ फिर नहीं मिलेगा तो बच्चे फिर क्रैंकी होते हमारी इंद्रिया सेंसेस मांग देते हैं हमको मिला नहीं यार है, मुझको नहीं मिली वो किसी और के साथ ब्याह गई वो है, मेरी नौकरी नहीं मिली मेरा पैसा चल गया है। तो लोग ऐसे जीते हैं अपनी सेंसेस को दुखी कर करके नॉनसेंस हो जाते हैं वो लोग। सो वी हैव टू मेक आवर इंटेलिजेंस स्ट्रांग। इंटेलिजेंस स्ट्रांग ये बड़ी अच्छी बोली आपने, लेकिन इंटेलिजेंस को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए? इसका कोई जिम है? इंटेलिजेंस का कोई जिम है? बुद्धि का पेट्रोल है स्पिरिचुअल नॉलेज। क्या है स्पिरिचुअल नॉलेज? देखो ये पापी पेट का सवाल वाली नॉलेज भी चाहिए, हम लोग सीखते हैं इतना कोई इंस्टीट्यूट में कॉलेज में स्कूल में, ये पापी पेट का सवाल वाली नॉलेज है ये भी चाहिए। मैंने भी क्या बीटेक किया कंप्यूटर साइंस का, क्यों दो वो तीन रोटी कमानी साहब क्या करें साहब, लोग एम बी ए करते क्यों करते, उनको बड़ा शौक था फिलिप पॉटर की किताब पढ़ने का, एम बी ए करेंगे ना पैकेज अच्छा लग जाना चाहिए, दो वो तीन रोटी कमानी। तो दो की रोटी कमाने वाली तो नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। अच्छा बॉडी में से पेट ही है क्या, और क्या और भी ऑर्गन भी है? ये भी है। इसके लिए आप नॉलेज लेते हैं क्या? हम इसके लिए कोई नॉलेज नहीं लेते, इसके लिए बड़ी बड़ी किताब पढ़ते हैं हम लोग, हमको याद है हम लोग पढ़ा करते थे डेटा स्ट्रक्चर्स सी सी प्लस प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम्स माइक्रो प्रोसेसर्स अरे बाबा रे बाबा कंप्लीट रेफरेंस टाटा मैकडोनल्ड ये वो फला डिगो किसके लिए पापी पेट का सवाल। उस वक्त हम लोग बोला करते थे समुद्र जितना सिलेबस है नदी जितना पढ़ पाते हैं बाल्टी पर समझ में आता है गिलास पर लिख पाते हैं चुल्लू पर नंबर आते हैं उसमें डूब के मर जाते हैं, दैट्स अ ट्रेजेडी ऑफ आवर स्कूल कॉलेज एजुकेशन। पर तो यही सब कुछ है क्या? स्पिरिचुअल नॉलेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। So spiritual knowledge, our intelligence becomes sharp, equipped, powerful. Then we can cater to the mind. ठीक है? एक और चीज़ है mind को manage करने की वो है संगति। आपकी संगति किन लोगों के साथ है?
बदमाश लोगों के साथ, डिस्ट्रैक्टेड लोगों के साथ आपकी संगत के लोग, अबे क्यों पढ़ रहा है यार तू, इतना ज्यादा चौधरी बन रहा है यार तू, देख किताब लेके बैठा है भाई। जब हम लोग बंक कर रहे हैं तो तू क्यों नहीं बंक कर रहा था, तू ज्यादा तू चौधरी बन रहा है यार, चल किताब बंक कर। लेकिन अब डोंट स्पॉइल द मूड मैन, डोंट स्पॉइल द मूड। और ऐसे अगर दो लोग आपके दोस्त हो गए ना, आपकी जिंदगी खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। संगति आपके किन लोगों के साथ, उठना बैठना किनके साथ है। योर पर्सनैलिटी इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ द टॉप फाइव पीपल यू एसोसिएटेड। तो पांच लोग जिनके साथ आप एसोसिएशन लेते हैं ना, टॉप फाइव आपकी लाइफ के, दे मेक योर कैरेक्टर, एज सिंपल एज दैट। आप किन बातों पे हंसते हैं इससे आपकी संगति पता लगती है, आपका चरित्र पता लगता है। Do you laugh on something which is very intellectual, or do you laugh on those double meanings, non-veg, बातें होती है ना, वो बोले बोले उन्हीं भी हंसी आती है इंटेलेक्चुअल बातों में, पता नहीं क्या बोला है, नहीं आया क्या उनसे रहते हैं, और चीप बातों में अरे यार। That shows the level of our character, that shows the level of our association, कि इंटेलेक्चुअल बातों में हंसी आती है या चीप थर्ड क्लास जोक्स नॉन वेज जोक्स में हंसी आती है। That shows our character, but that shows our association also. संगति, हम क्या खाते हैं, that's also very important. अगर आप चाहते हैं आपका मन शांत रहे, माइंड को मैनेज करना है, जैसा अन्न वैसा मन, और वैसा जीने का, आप क्या चीज खाते हैं, very important. जितने भी नॉन वेजिटेरियन पीपल लोग हैं ना, जितने लोग हैं नॉन वेज खाने वाले लोग, ये सब के सब बेचैन आत्मा है, A to Z I've seen. इन लोगों के साथ काम भी किया ना मैंने तो, अच्छे से विदेशों में काम किया, तो बीफ खाने वाले लोग हैं लोग, तो सब की सब बेचैन आत्मा है। हम क्या खाते हैं इससे भी हमारा मन नियंत्रित होता है। ये वायलेंस देखते हैं ना, ये जो वायलेंस है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या आपस में वायलेंस हो, एग्रेशन है, ये एग्रेशन वाला कहां से आता है, ये अन्न से आता है। आप कैसा अन्न खाते हैं, क्या एक बार टंगड़ी तोड़ना अच्छा लगता है जी, हम क्या करें जी, टंगड़ी ला भाई। सो नॉन वेज अगर आपको खानी बड़ी इच्छा है तो नान खाइए, साथ में थोड़ा वेज खाइए, स्टफ नान, पनीर नान, नान वेज, दैट्स वेरी गुड। बट ईटिंग नॉन वेज इज नॉट गुड। मैंने, मैं यूएसए में था तो मेरे साथ मेरी एक और प्रोग्रामर थी, वो भी कोडिंग करती, मैं भी कोडिंग करता था, उसका नाम था कैरी मॉरिस। उसकी बेटी बहुत बीमार पड़ गई और सोहना, वो डॉक्टर के पास जा रही थी, बेटी ठीक नहीं हो रही थी, तो मेरे पास आए, कहते हैं यू नो कैन यू प्रे फॉर माय चाइल्ड, आई नो यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, कैन यू प्रे फॉर माय चाइल्ड। मैंने कहा ठीक है, आई विल प्रे फॉर योर चाइल्ड, बट ऑन वन कंडीशन, यू हैव टू गिव अप दैट व्हिच इज योर फेवरेट। माय फेवरेट इज आई लाइक रेड मीट, उसको मीट खाना बड़ा पसंद था। मैंने कहा इफ यू प्रॉमिस दैट यू गिव अप मीट ईटिंग, आई विल प्रे फॉर योर डॉटर। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान उसकी बेटी ठीक हो जाए, यदि आपकी इच्छा हो तो। सो विद इन टू डेज उनकी बेटी ठीक हो गई। She was very happy. I am a pass. Then, you know, I'm so happy. Your prayers worked. My child is now absolutely fine. I think, but Carrie, you promised me that you will give up that which is your favorite. So now you have to take to vegetarianism. She said, yes, since I promised, so I'll do it. And then she actually did this. She gave up meat eating. So 15 din ke baad usne mere se share kiya. I'm so grateful to you. Halanki humne, because of this, because of my daughter, I left meat eating. But I am feeling so calm, composed, so settled just because I have given up eating meat. Thank you very much. So it really makes an impact. आपका मन की बेचैनियत बढ़ती है, aggression बढ़ता है, restlessness बढ़ती है, स्वार्थ बढ़ता है, egoistic attitude बढ़ता है by eating meat. तो मन को manage करने के लिए we should have सात्विक food. नहीं वो लगता है कि ना meat खाने से ज़्यादा ताकत आती है, पर actually ऐसा नहीं है। सांड का खाता है, सांड घास फूस, हाथी का खाता है घास फूस, तो ताकत कहाँ है, घास फूस में। इवन शेर भी किसको खा रहा है ताकत देने के लिए, घास फूस खाने वाले को खा रहा है वो, तो ताकत कहाँ है, घास फूस में। यस, तो इसलिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जो नॉन वेज वाले हैं ये तो है, और वेजिटेरियंस ये घास फूस वाले चिलगोजे, तुम लोग क्या। ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज मेरा पंजा कॉम्पिटिशन हुआ था, मैंने ही वॉज एवरी डे नॉन वेज कॉलेज वहां ना हमारे बिता था नॉन वेज एवरी डे, कॉलेज वहां जाएगा, खाएगा टंगड़ी मंगड़ी खाएगा, लाइक अ बीस्ट,
और हड्डियां यहाँ पड़ी है उसकी। तो इतने हमारा ना वो चल रहा था पंजाब कॉम्पिटिशन, अल्फा बीटा गामा, उसको पता लगा उसका बीटा है, मैंने कहा मेरा बीटा रखो, ओके बीटा, यहाँ से ही बीटा, यहाँ से ही बीटा, आया तो बीटा लेकिन अब तू पिटा बेटे। अब तो मैं सिर्फ मैं थोड़ा सा हेल्दी हो गया हूँ, उस वक्त तो आई एम करंटली 78, उस वक्त 52 केजी था, एकदम सिकड़ा। अरे यार तेरी बेइज्जती करके अच्छा ही लगे यार, चल कोई नहीं चल। एंड देन वी स्टार्टेड हैविंग पंजाब, हमारा एक मिनट तो पंजाब बीच में ही रहा हमारा। अबे सिकड़े तूने पंजाब बीच में रखा है। उसके बाद हुआ क्या, मैंने उसका पंजा नीचे करना शुरू कर दिया, दोबारा किया, इस बार तो ठक नीचे। तू तो नॉन वेज नहीं खाता। तो भैया मैंने कहा ताकत तो वेज में होती है, ये भ्रम है भ्रम। मैंने कहा देख तू रोज खाता है, रोज बाहर टंगड़ी तोड़ता है, प्रोटीन शेक लेता है, डोले छोले बनाता है, एक दिन डोली उठाऊंगा, एक दिन तेरा हाल देख, तो पंजे में हरा भी वेजिटेरियन से। सो दैट इज, ये भ्रम है अपने आप में कि ना वेजिटेरियन पीपल दे आर कमजोर, ना बिल्कुल भी नहीं, वेज हैज गॉट लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। बल्कि आप देखो नॉन वेज होता है ना बहुत, इसमें सबको टेस्ट नहीं होता, उसमें ग्रेवी डाल करके उसको टेस्टी बनाना पड़ता है। कैन यू ईट रॉ मीट? नेवर। उसे मसाला ग्रेवी ये वो ताम झाम करके उसको जबरदस्ती बनाना पड़ता है, वेरी टेस्टी। अच्छा सारा मसाला निकाल उसका फिर खाने दिखा, टेस्टी। सो मसाला टेस्टी होता है असल में, मीट टेस्टी नहीं होता, पर जैसा अन्न वैसा मन। यस, तो खाने पीने का हमें ध्यान रखना चाहिए। थर्ड इज दैट यू शुड डू सम रेगुलर मेडिटेशन आल्सो, लाइक चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड, लाइक वी चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मुस्लिम का चैंट मुस्लिम से अल्लाह नेम और कृष्ण का चैंट क्राइस्ट नेम, बट चैंट चैंटिंग से बहुत फर्क पड़ता है। आपको मंगल आरती में देखता हूँ लेकिन बात नहीं कर पाया। तो प्रभु मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाइल प्रैक्टिसिंग भक्ति इनिशियली लस्ट डिसअपीयर बट इट अटैक्स अगेन, व्हाइल प्रैक्टिसिंग भक्ति लस्ट डिसअपीयर बट इट अटैक्स अगेन, सो व्हाट वी कैन डू अबाउट यू? लेकिन लस्ट से कि दो दिन तीसरे दिन उस पर हावी हो जाती है और जो उसका जो स्तर होता है नीचे गिरा देती है, और फिर वो सोचता है कि शायद कृष्णा इज नॉट एक्सेप्टिंग हिम और हर। और अनदर क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड टू मेनी डिवोटीज बट जो आंसर वो मैं मिल नहीं पाया, कि जैसे वी ऑल नो कृष्णा इज अ सुप्रीम लॉर्ड एंड कृष्ण मेंशन इन भगवत गीता कि मत्त परत्रम नानत किंसित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रम मणिगणि वा। एंड ब्रह्मा आल्सो सेड कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नाथ आदि गोविंद सर्व कारण करम। एंड शिवा इज द डिस्ट्रॉयर, वो भी कहते हैं कि आराधनम सर्वसम विष्णु आराधनम। और कृष्णा सेड भगवत गीता 5000 इयर्स अगो, दैट वाज नॉट फर्स्ट टाइम। कृष्णा मेंशन इन भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 1 कि 12-13 करोड़ साल पहले उन्होंने सूर्य को दिया, उससे पहले ब्रह्मा को दिया। तो जब 5000 साल पहले भगवत गीता आ चुकी थी, कृष्ण ने बता दिया कि मैं लॉर्ड हूँ, मैं भगवान हूँ, सभी कारणों के कारण हूँ, तो उसके बाद 2000 साल पहले 14 साल पहले कुरान अलग अलग आती है, उसके पीछे रीजन क्या है? लेकिन मैंने पता है कि लेकिन कुछ लोग कहते हैं भगवान अल्लाह सब सेम होते हैं, तो मैंने कुरान में कुछ ऐसे श्लोक पढ़े हैं, जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर 9 श्लोक नंबर 1 में भगवान कहते हैं कि जो 1 या 2 है कि जो निराकार की पूजा करता है उसके लिए बड़े कष्टों से बड़ा होता है, और जो कुरान होती है उसमें निराकार की पूजा बता रही है, तो मतलब ये दोनों सेम कैसे हुए? और जब भगवान बता दे, जब भगवान ने बता दिया कि मैं सुप्रीम हूँ पहले, तो ऐसा मतलब रीजन क्या था? और भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना तो मतलब सभी कारणों के कारण कृष्ण है, तो उनकी इच्छा के बिना तो क्यों हुआ, रीजन क्या? वैसे तो आपका आंसर जवाब देते हैं 1 घंटा और जाएगा, बट आई विल स्टिल ट्राई टू गिव इन ब्रीफ। सबसे पहला ये है कि भाई ओके, हाउ टू टेक केयर ऑफ लस्ट, टू सी अपोजिट जेंडर विद एक्सप्लॉइटेटिव मेंटालिटी, हाउ टू कॉन्कर इट। एक्चुअली विदाउट डिवाइन लव वी कैन नॉट कॉन्कर लस्ट, डिवाइन लव mitigates lust naturally, and then we see the other gender more as a person than an object. Lust means she is just an object, or woman looks at a man just as an object, oh he handsome good looking object, a beautiful gorgeous object. But the objectification kam kam hota hai when we have divine love for God. Jitna ye badhega na utna yahan compassion badhega, aur isliye jitna zyada, because your heart becomes pure. ऐसे किसी ने रावण को सजेस्ट किया था, सर आपको किडनैप करना ना सीता को, आप अगर राम का रूप धरो
और राम तो धूप रूप धर धर के कहना सीता आओ चलो थोड़ा गो पिकनिक में घूमने चलते हैं पीछे बैठे हो ऐसे गौ के लेना अरे मैं राम नहीं हूं रावण हूं ऐसे कर ले रहा हूं सिंपल। रावण ने कहा इट्स अ गुड आइडिया पर ना बट इसमें ट्विस्ट ये है मुझे राम का रूप धरने के लिए राम का नाम लेना पड़ेगा और मैं राम का नाम लूंगा ना तो मेरा हृदय पवित्र हो जाएगा और जैसा मेरा हृदय पवित्र हो जाएगा तो मैं सीता को आई विल सी एज मदर तो सीता मैया को मैं किडनैप कैसे करूंगा क्योंकि मुझे सीता को किडनैप करने के लिए यही गंदा ही रखना है और गंदा रखने के लिए मुझे फिर राम का नाम नहीं लेना है नाम लूंगा तो मेरा हार्ट प्योर हो जाएगा ना तो आइडिया अच्छा है लॉजिक लग रहा है लेकिन इसमें ट्विस्ट है The point is that more your heart becomes pure, more you see other gender with respect. That naturally happens. देखो ये चीज़. So how to conquer lust? You can conquer it by reviving our love. Meanwhile, फिलहाल तो हम जिस सिचुएशन में हैं, इससे सबसे बड़ा जो हमें प्रोवोक करता है लस्ट के लिए वो है हमारा मोबाइल फोन. Like India के अंदर 89% data is used for watching porn. We are world's number one in watching porn. 89% data. Even US is 85%. Brazil is 81%. Silver medal, bronze medal. Gold medal goes to India. India. गंदगी देखने में हम लोग नंबर वन चल रहे हैं दुनिया के अंदर. गूगल हम पे हंस रहा है. कहते देखो फ्रॉम द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी आओ इनकी गूगल सर्च दिखाएं. ये लोग इंडियंस लोग गूगल में क्या घूमते हैं आजकल. हम लोग खुद अपनी बेइज्जती करा रहे हैं आजकल. तो ये मोबाइल फोन जो है वी शुड मेंटेन डिस्टेंस विद दैट. वैसे इससे इंटरनेट वाला पार्ट हटा दो क्योंकि पूरी दुनिया से कैसे जुड़ते हैं इससे इंटरनेट से. ये मोबाइल में वैसे अपना कॉल वॉल ये रिसीव अलार्म ये वो सब कर लूंगा रिमाइंडर्स ये वो सब करूंगा. इंटरनेट जो है ना वो दिक्कत वाली चीज है. सेकेंड है इसमें पेरेंटल कंट्रोल लाने यानी कि आप जहां भी क्लिक करते हैं इट शुड गेट रिपोर्टेड टू समबडी. फर्क पड़ता है इवन इन आवर टेंपल हमारे जो ब्रह्मचारी आश्रम है ऑल्दो दे आर प्योर हार्टेड बट फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन हमने सब में पेरेंटल ऐप डाली हुई है और इसमें हमारा एक एक क्लिक रजिस्टर होता है और महीने में हम एक बार व्हेन वी कम फॉर मीटिंग हम सबकी हिस्ट्री स्क्रॉल करते हैं वंस इन मीटिंग. ओके अमोक लीला पप्पू का फोल्डर खोलते हैं ये देखते हैं प्रभु जी कहां कहां गए फिर पूरा ऐसे हम वी हैव प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर में अपना दिखाते हैं. ओके नाउ लेट्स ओपन लेट्स सी हिस्ट्री में अमोक लीला प्रभु जी कहां कहां गए. ओ प्रभु जी रशिया यूक्रेन वॉर पर 15 वीडियोस क्या बात है इतना टाइम खराब करने के लिए आपके पास. History gets scrolled. उसे पर so that way we click very judiciously. भैया एक एक क्लिक आपकी इज्जत खराब होगी ना उसमें. So in case we are very sincere, we should take care of it. So mobile phone से ध्यान साधना चाहिए. We should have respect for the opposite gender. ये सब हमें करना चाहिए. And ultimately reviving love for God. ठीक है जी. अच्छा हमने एक सवाल ये पूछा कि ना कि सारे जो ये धर्म वाला बात हो गई कृष्ण इज गॉड हाउ कम डिफरेंट रिलीजन्स केम. Actually, different religions they came so that people can become moral. जैसे people लोग they were very much addicted to meat eating. तो भगवान ने एक अवतार भेजा महात्मा बुद्ध का. अहिंसा परमो धर्म. Non-violence is topmost religion. ताकि लोग टंगनी तोड़ना छोड़े. अहिंसा. They should follow non-violence. पर अहिंसा का पालन करके they would become sattvic. Later on बाद में भक्ति बनेगी. फिलहाल लोगों को sattvic बनाओ यार. Right? अगर कोई ऐसा धर्म जिसमें कि meat eating is allowed. पर कौन सी मीट ईटिंग कहता है वो हलाल तो अलाउड है झटका इज हराम. और ज्यादातर मीट शॉप में होती है हलाल या झटका. झटका. तो मैं जा रहा हूं मेरा बेटा बोला पापा मेरे को मीट खाना है. मैं बेटा ये झटका है बेटा ये हराम है. कोई हलाल वाला मिलेगा ना तब ले लेंगे. बट फॉर अ टाइम बींग आई एम सेइंग नो टू मीट ईटिंग. राइट. सो इन अ वे पीपल बिकम ग्रेजुअली सिविलाइज्ड. सो इससे अलग अलग धर्म आते हैं तो टू मेक पीपल सिविलाइज्ड. And ultimately, if they so that they one day they can become devotee, they can become a lover of God. इसलिए अलग-अलग religions आते हैं. That's their purpose. Yes. Do we have how much time? Do we have? Are we done with the time? It's up to you. Up to me? Really? इनका पढ़ाई वढ़ाई? अभी lunch लेके मंदिर की तरफ. Okay, ठीक है. अच्छा lunch time है उनका. 1:30 शुरू होगा. नहीं 1 to 1:30. 1 to 1:30 is their lunch time. अच्छा यानी मैं आपके लंच टाइम में घुसा हुआ समझ रहा हूं. वेल ऑल दिस डिफरेंट रिलीजियंस दे केम राइट सो दैट पीपल कैन बिकम सिविलाइज्ड. दैट वाज थिंग. बाकी ना जैसे कुछ आयतें जो है कुरान के अंदर एक्चुअली दे आर फैब्रिकेटेड. कुछ मुसलमान स्कॉलर्स का मानना है मेरा नहीं. मुसलमान स्कॉलर कहते हैं एक्चुअली कुरान तो बकरी खा गए थे उसके बाद जो हो रहा है दैट समथिंग वेरी
मतलब उसके बाद फिर वो क्या आई मुझे पता नहीं है, औरंगजेब ने उसमें 27 आयतें डाली हैं, काफिरों को जो मारेगा उसको अल्लाह उसको नवाजेंगे, दूसरे धर्म के लोगों का कत्ल करो, मतलब ही दीज ऑल गॉट एडेड लेटर ऑन बाय औरंगजेब। अदरवाइज सही हदीस के अंदर लिखा है गाय के दूध में शिफा है, गाय के मांस में मर्ज है, इसकी उन्होंने सही हदीस पर उन्होंने उसको फॉलो नहीं करता, कहते नहीं हम तो गाय खाएंगे वजह से मर्ज हो, हमारी मर्जी यही है कि मर्ज लेकर के आए हम। सो दैट्स व्हाई मेनी थिंग्स दे गेट एज अ डेविएशन आल्सो भी आना शुरू हो जाती है, बट आई नो सम वेरी गुड मुस्लिम्स आल्सो, ब्रॉड माइंडेड मुस्लिम्स एंड दे आर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ सनातन धर्म, एस्पेशली दोस हु आर शिया वंस, कुछ तो सुन्नी वाले दो चार होंगे लेकिन शिया वंस आर वेरी ब्रॉड माइंडेड, उससे अच्छे भी होते हैं पर क्या करें हम, और जब आए थे ही जब हमने इंटरपोलेट कर दी फिर तो क्या कर सकते हैं, बट यस बट ओवरऑल मैंने देखा अब जो वेव है इज टुवर्ड्स धर्म, लाइक इन इंडोनेशिया द प्रिंसेस एंड 30,000 पीपल इन इंडोनेशिया विच वॉज 100% मुस्लिम कंट्री दे टुक टू हिंदुइज्म, उसका 50,000 मोर एंड दिस इज गोइंग ऑन, सो ओवरऑल ऑल अक्रॉस द ग्लोब आई कैन सी दैट देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स धर्म। वन मोर एग्जांपल इज दिस इटसेल्फ, आपके सीक्वेस नाम के इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट के अंदर अ स्पिरिचुअल सेशन इज हैपनिंग बाय पर्सन हु इज इन सैफ्रॉन, दिस इज अ वेव ऑफ धर्म, नहीं तो क्या हो मैं तो अदरवाइज आई एम अ मिसमैच ना, देखा जाए हमें लाइक कल्चर शॉक फॉर ऑल ऑफ यू, एक गंजा आदमी 2 किलोमीटर लंबा तिलक लगा करके गेरवा कपड़ा पहन के धोती कुर्ता पहन के सीक्वेस के अंदर सेशन दे रहा है, कल्चर शॉक, पर ये कल्चर शॉक हम क्यों कर रहे हैं, रीजन बीइंग देयर इज अ वेव ऑफ रिलीजियोसिटी नाउ, पीपल आर बिकमिंग रिलीजियस, पीपल आर बिकमिंग स्पिरिचुअल, आई नो थाउजेंड्स ऑफ यूथ्स व्हेन दे कम एंड मीट मी टू लॉन्ग मुझे बहुत खुशी होती है, आई जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल, मैं वंस एक वंस आई वाज इन जंतर मंतर फॉर दिस बांग्लादेश थिंग, आई मेट फ्यू बॉयज, मैंने कहा प्रभु जी हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, वी हैव अ क्लब ऑफ 2500 स्टूडेंट्स, मैंने कहा अच्छा, actually we were leftist, we were liberals and we were always criticizers of Hinduism, but after watching your videos on YouTube we have changed our ideology from left wing to right wing, hamare 2500 students they have taken to religiosity, they all are practicing, they all are meditating, thank you, main yahan apni tareef karne ke liye main example, I'm just telling you the wave of religiosity now is increasing all across the globe, it is happening, so it is good, the future is bright and we are very hopeful, Narendra Modi ji ka prime minister banna is part of that wave, getting such a powerful prime minister, very intelligent, resourceful, selfless, saintly prime minister, it's a wave of goodness, yeah.